मीना आंटी कल शाम के प्रोग्राम के लिए आ रही है ना? हाँ दीपक भैया, शी इज बिजी बट शी विल मेक इट। पिछले 15 सालों में हम इसी दिन तो मिलते हैं, सो ऑफ कोर्स शी वुडंट वांट टू मिस इट। हाँ, खाना तो मिस नहीं करेगी भैया। अरे आई एम जस्ट किडिंग, आई नो दैट शी हैज सपोर्टेड अस अ लॉट एंड आई एम हैप्पी दैट शी इज कमिंग। इस मौसम को मैंने मुंबई में बहुत मिस किया है। पता है मुंबई में पूरे साल एक ही मौसम होता है। तो आ जाओ बेंगलोर, इधर भी आर्किटेक्ट्स की बहुत डिमांड है। तुम ना एक हाई फाई बाथरूम डिजाइन कर सकते हो। स्टॉप इट या भैया, यू नो इट्स नॉट इजी फॉर मी टू लिव हियर, यू ऑफ ऑल पीपल शुड नो दैट। अरे फिर से वही बात, अरे तुम कितने दिनों तक इसी बातों को पकड़ के बैठे रहोगी यार? देखो एक ना एक दिन तुम्हें इससे बाहर आना ही पड़ेगा, समझे? हम बहुत टाइम के बाद ऐसे कहीं एक साथ बाहर आए हैं, अच्छा लग रहा है। मुझे भी। जब से आपका ये नया जॉब लगा है तब से आपके पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है। आप महीने में आधा टाइम मद्रास में होते हो। करना पड़ता है जानू, और मैं ये अपने लिए थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं तो हमारे पूरे परिवार के लिए कर रहा हूँ ना। Guess what? You bought another phone. No. Another car? अरे मेरी माँ मेरी बात तो सुनो, नेहा एंड आई आर गेटिंग मैरिड दिस ईयर। What? Seriously? Oh my God, that's amazing news, भैया। I'm so happy for the two of you. So now finally my two favorite software engineers are hitched in holy matrimony. हमारी जिंदगी में सब कुछ सही चल रहा था जब तक आपका यह नया जॉब नहीं आया, जब तक माया नहीं आई। क्या? झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने आपके सारे SMS पढ़ लिए थे। मुझे ये भी मालूम है कि आप मद्रास जॉब के लिए नहीं बल्कि माया से मिलने के लिए जाते हो। By the way, तुम्हारा और विक्की का क्या सीन है? कुछ होने वाला है कि नहीं? I don't know. It's complicated. विक्की is complicated? No, विक्की is a really nice person. Life generally is complicated. Why is life complicated if विक्की is a nice person? विक्की के साइड से तो कोई इश्यू नहीं है, it's just that I'm not ready yet. शायद मम्मी पापा के वजह से। Come on दिया, इसमें उनका क्या लेना देना है? ये तुम्हारी जिंदगी है और फैसले तुम्हारे। Come on यार। रम्या, पागल हो क्या तुम? क्या बकवास कर रही हो? माया मेरी बॉस है। कौन सी बॉस ऐसे सब मैसेज भेजती है? अरे वो थोड़ी सी फ्रेंडली है इसलिए ऐसे SMS भेजती है, और वो सभी एम्प्लॉइज के साथ ऐसे ही बिहेव करती है। झूठ, सब झूठ। मुझे मालूम है ये कोई नॉर्मल बॉस एम्प्लॉई रिलेशनशिप नहीं है, तुम दोनों के बीच में उससे भी ज्यादा कुछ है। नॉट अगेन रम्या, फिर से नहीं। तुम क्यों इतना शक करती हो मुझ पे? ओह, अब सारी गलती मेरी है। तुम्हें झेलना बहुत मुश्किल है। ए
ऐसा नहीं है भैया कि मैं ओवरकम नहीं कर सकती। पर जिंदगी की कुछ बातों को भूलना बहुत मुश्किल होता है। 15 साल अभी भी कितने सारे सवाल है जो मुझे बस खाए जा रहे हैं। आर ऑल आवर रिलेशनशिप सपोज टू एंड लाइक दिस? क्या हमारे भी हर रिश्तों का नतीजा यही होगा? ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन हर रिश्ते की कामयाबी हमारे हाथों में है। हम एक रिश्ते को कैसे आगे लेकर जाएंगे, ये सब हम पे डिपेंड करता है ना। पंद्रह साल से मैं कोशिश कर रही हूं, आप अभी भी सच नहीं बोल पा रहे हो। मुझे ये बात आगे नहीं बढ़ानी है, पर चाहती हूं कि आप हमें सच बताएं। माया के साथ क्या है आपका? हम हर साल इस दिन पर, इस जगह पर यही बातें करते रहते हैं, पर तुम ये सब खत्म ही नहीं करना चाहती। माया मेरी बॉस है और कुछ नहीं। मुझ पे शक करना बंद करो, मुझे और मेरी लाइफ को समझने की कोशिश करो। धोखेबाज हो तुम, तुम्हें माया से प्यार हो गया है। ये परिवार, ये जॉब, सब कुछ एक बहाना है। मुझे पता है तुम जब झूठ बोलते हो। फाइन, जो सोचना है ना सोच लो, मुझे और कुछ कहना ही नहीं है। लायो, कल हम इनकी बरसी की पूजा सब निभाएंगे। अब हम इनके लिए इतना ही तो कर सकते हैं। जो हुआ सो हुआ। इनके रिश्ते के बारे में हमें जवाब नहीं ढूंढना है, क्योंकि तुम भूल गए 15 साल पहले मैंने तुम्हें मार दिया था और अपने आप को भी। मरने के बाद भी तुमने मुझे सच नहीं बताया, पर क्यों? इनके रिश्ते के बारे में हमें जवाब नहीं ढूंढना है, क्योंकि इस बात का जवाब शायद ये भी नहीं जानते थे।